बेटा वी हैव टू एक्सरसाइज 8.1 थर्ड क्वेश्चन नाउ लेट्स स्टार्ट प्लीज पे अटेंशन शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस देयर इज अ कोऑर्डिनेटरल हूज डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल हमें क्या गिवन है कि एक कोऑर्डिनेटरल जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट किस पे करते हैं राइट एंगल पे तो हमने प्रूव करना है दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस वी नो इन रोम्बस द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री यस व्हाट इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस सो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल आर रोम्बस वी नीड टू प्रूव हियर दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल ठीक है सो वी विल मेक अ रोम्बस इन दिस ऑल द फोर साइड ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बनाएंगे ठीक है दिस ऑल्सो इसको ऐसे कर लो उस तरह से हो जाएगा डायमंड की शेप में ठीक है ना राइट डाउन गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल गिवन लिखो लिखो जल्दी मैंने बाद में टाइम नहीं देना ज्यादा साथ साथ लिखो और साथ साथ समझो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल AC diagonal AC is equal to क्या बात है मंशिका इधर बैठो बेटा stand up please sit here diagonal AC is equal to diagonal BD ये O है and Diagonals are equal and bisect at 90 degree. Diagonals equal लिख दिए, diagonal bisect भी करते हैं. OA is equal to OC, OB is equal to OD, right? And एक मिनट रुको बेटा. Show that if the diagonals of the quadrilateral bisect diagonals equal नहीं given. Diagonals equal नहीं given. Question read करें. Show that if the diagonals of the quadrilateral bisect each other at right angle. It is not given that the diagonals are equal और rhombus में diagonals equal होते भी नहीं. समझ आ गई? Given नहीं है. Given क्या है कि वो bisect करते हैं. Bisect मतलब OA is equal to OC, OB is equal to OC, OD and they bisect at 90 degree. Angle 1 is equal to angle 2. Is equal to angle 3 is equal to angle 4 90 degree ये ओपन गिवन है ये गिवन है आप ऐसे भी लिख सकते हो डायगोनल गिवन में सीधा ये नहीं लिखना आप सीधा भी लिख सकते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 degree लेकिन इसलिए लिख भाई ये हम आगे यूज करेंगे टू प्रूव ए बी सी डी is a rhombus proof ye dekho we need to prove all the four sides equal so we will take the adjacent triangles kon bol raha ab aob and aod This triangle AOB and we will take this triangle AOD. उसमें ये कॉमन है ठीक है ये डायगनल हाफ इससे इक्वल है एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री इज 90 डिग्री दे आर फोर बाय साइड एंगल साइड द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू AD बाय CP. Similarly, AD is equal to DC, DC is equal to CB, and CB is equal to AB. Therefore, all the four sides are equal. Hence, it is a rhombus. ठीक है? Write down. In triangle, समझ आ गया बेटा सबको? In triangle AOB and triangle AOD. Now we have to see the correspondence.
ऐसे ही हमने दोनों ट्राइंगल की नेमिंग शुरू की, AO is equal to AO common, then OB is equal to OD given, angle 1 is equal to angle 3. कहाँ बेटा, जरूरी नहीं ऐसा कुछ नहीं, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तो कोई इसके मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। आपने अगर ये चार एंगल्स नहीं देने, रुको मेरी बात, पेंसिल से बना रहे हो ना फिगर, चार एंगल्स नहीं देने तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, मत रब करो, इतना चिच 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 करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब इसमें वी आर नॉट, वी डोंट रिक्वायर ऑल द फोर एंगल्स, सो नो नीड टू मेंशन ऑल द फोर एंगल्स। एंड दो आप एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, मींस कंफ्यूज, आगे हमारे क्वेश्चन है जिसमें खूब सारे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, जहां दो एंगल्स के तो वहां दो ही लिख दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल, बेटा फिर मार खाओगे और कुछ नहीं है, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती, फिर नेक्स्ट स्टेप वही है, मैं आपको नहीं कह रही, फिर बेटा मार ही खाओगे, फिर बेइज्जती होगी, ऐसे बैठे रहोगे मुंह लटका के, अच्छा लगेगा। In triangle A, so therefore triangle AOB is congruent to triangle AOD by SAS rule. This implies AB is equal to AD CP CP. बार बार, एक बार लिया, दुबा क्या लिया तुमने अब? मुझे लगा scale. AB is equal to AD. And if you are using angle 1 and 2 and you are not mentioning in the figure, you will not get mark. वो उसके नंबर कट जाएंगे फिर। जहां क्वेश्चन सारा का सारा एंगल पे बेस्ड है, आपने फिगर में रफ में फिगर बना दी, एंगल वहां बना दिए, फेयर में एंगल्स नहीं मेंशन किए, तो वी नो मार्क्स विल बी गिवन। समझ आ गई? सो इसके बाद लिखो सिमिलरली, ये दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरली, ये स्केल आपका है, किसका है, वापिस दो, जिसका है वापिस दो। सिमिलरली, दो लाइंस लगा के वाई, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलरली। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी इज इक्वल टू डी ए, ए बी ए डी के इक्वल, ए डी डी सी के, सी डी BC के, सारी चारों साइड्स इक्वल हो गई। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, देयरफॉर ABCD हाँ ये दोनों बोल रहे हैं, साहिल या राघव में से कोई, साहिल बोल रहा होगा क्योंकि तुम इकट्ठे बैठे हो, अगर मैं तुम्हें अलग करूंगी फिर तुम बोलते हो। अगर अब मुझे किसी की आवाज आई तुम में से, यू विल सिट सेपरेट डेली, सिट सेपरेटली डेली, जल्दी नोट करो, चारों सेक्शन हमसे आगे है, कोई फिफ्थ पे, कोई सिक्स्थ पे, कोई खत्म कर चुका है, तुम लोगों की बातें नहीं खत्म होती, डिस्ट्रैक्ट नैमी को, ममता मैम फिफ्थ करा रहे थे, अनु मैम ने कल परसों वो एट्थ क्वेश्चन पे थे, सुमिति मैम का ही नहीं, बस मुझे पता है सुमिति मैम का सबसे पहले शुरू हुआ हुआ, नहीं ये एक्सरसाइज सबकी एंड में, जल्दी लिखो, अब मैंने रब कर देना, हरी अप, खत्म होती हरनूर एंड जसकीरत, पढ़ना है इस टेस्ट में, ठीक है, अपने लिए पढ़ना, हमारे लिए तो वैसे पढ़ना भी नहीं।
Next question number 4. Show that the diagonals of the square are equal and bisect each other at right angle. Now see, read the question. Show that the diagonals of the square are equal, bisect each other at right angle. Now what is given to us? 1 minute beta. 1 minute.